दोस्तों, हम जा रहे हैं आबू रोड, और आबू रोड पे हम आज पालक पकोड़े वाले जो है उनका शूटिंग करने वाले हैं। ये मैं पालनपुर से अभी राजस्थान की ओर जा रही हूँ दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको पालक पकोड़े खिलाएंगे। पालक पकोड़ा की जो चाट जैसा कढ़ी के साथ में बनता है, यहाँ फेमस है, वहाँ जा रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, हाईवे पे हो रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। हम आ गए आबू रोड, और आबू रोड में अब हम जाएंगे पालक चाट वाले के यहाँ। तो ये हम आ गए हैं, मेरे साथ बने रहिए। अनिला शाह फ्रॉम एक्सप्लोर विद अनिला शाह एंड अनाग्लो किचन। दोस्तों, हम आए हैं प्रजापति पालक भजिया सेंटर, और हम अब इनसे बात करेंगे। ऐसे पत्रावले में ये बनाया जाता है, और सुबह में 2 बजे तक ही चलता है। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शांतिलाल प्रजापति। हाँ जी, हम आपके यहाँ दिवाली के पहले भी आए थे, दिवाली के बाद में आए थे, लेकिन हमको पता नहीं था आपका टाइमिंग क्या है। मेरा टाइमिंग मॉर्निंग में 6:30 से दोपहर को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक बस। लेकिन हमने 1 साल पहले खाया था, तो स्पेशल हम आज आए हैं। थैंक यू सो मच। मेरा YouTube चैनल है अन्ना ग्लो किचन। हाँ जी, और उसके लिए तो ये क्या है बताइए? ये मैम पालक पकोड़ा है, इसमें पालक और बेसन और नमक, ये 3 चीज होता है इसके अंदर। okay. इसका पे घोल बना के और तेल में फ्राई किया जाता है। आप अभी देखोगे तो वहाँ बन रहा है। हाँ। तो आप देख लेना अभी। अच्छा, और ये क्या है? ये है मिर्ची वड़ा है, ये मिर्ची वड़ा, ये समोसा है। हाँ। ये कचौड़ी है, और ये हमारी स्पेशल कड़ी है। अच्छा, ये कड़ी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप किसी का बनाओ तो हम उसका। हाँ जी, हाँ जी, भाई एक बना दो। दोस्तों देखो, ये पहले, हाँ बोल बोलना आप जरूर। जैसे कि अभी इनको मिर्ची वड़ा खाना है, तो ये मिर्ची वड़े की प्लेट बन रही है। ये मिर्ची वड़ा कटिंग किया, ये पकौड़े डाले, और ये कड़ी, कड़ी काहे की बनती है? हाँ जी, हाँ जी, ये हमारी स्पेशल, इसमें दही छाछ कुछ नहीं, ऐसा पानी बेसन का लोट, और जो हमारा मसाला होता है वो है ओनली 4। और ये है हरी चटनी डाली जाती है, ये मीठी चटनी है, ये हमारा स्पेशल मसाला है, ये ऑनियन, और ये 1 पीस पाव के साथ में। हाँ जी, हाँ जी, जी पाव के साथ में। तो ये क्या दिया आपने, क्या बना के दिया इनको? दिया मिर्ची वड़ा और पकौड़ा दोनों साथ में। रेवदर से, हाँ, यहाँ से, हाँ पालक चाट बोलते हैं इसको? हाँ जी, हाँ, पालक पकौड़ा, और कोई पालक पकौड़ा बोलता है, कोई कड़ी पकौड़ा बोलता है, वो मतलब जैसे वो कस्टमर का चॉइस। तो आप 2 बजे तक का टाइम सीमित क्यों रखा? बस बस, इतना बहुत हो गया मैम, क्योंकि इतने में हमारा क्या सारा काम का चल जाता है, और स्टाफ है तो वो भी थक जाता है, उनको भी आराम चाहिए, हमको भी आराम चाहिए। ये मैम ऐसा कोई हमने कभी एवरेज निकाला नहीं है, लेकिन मालिक के दिया से सब काम काज अच्छा चलता है हमारा। कभी कम नहीं पड़ता? नहीं, अच्छा खिलाते, अच्छा पिलाते, अच्छा सबसे व्यवहार। हाँ जी, नहीं नहीं, मेरे कभी बचता ही नहीं है, मालिक की दिया से कभी नहीं बचता, अभी सब भर के लाता हूँ और खाली होकर घर जाता हूँ मैं। पालक पकोड़ा, और
एक ये हमारी स्पेशल कचौड़ी है, इसके अंदर हम कचौड़ी में मीठी चटनी, हरी चटनी और दही और ऑनियन। ये हमारा अंकल परमानेंट है, ये मतलब रोजाना खाने आते ही है यहाँ पे। आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और जो शांतिलाल प्रजापति और ये, हम आपके लिए स्पेशल आए, थैंक यू सो मच। हाँ जी, रास्ते में कहीं रुके नहीं कि जिससे आप भाग न जाए। हमारा टाइम सीमित है मैम। और ये कहाँ से लाते हो ये जो? ये मैम एक पूरा ग्रुप है तो उनका काम ये बनाने का है। हाँ, बाउल का ये सिर्फ बनाने का काम है। हमारा ऑर्डर फिक्स है रोज का। ये इसके खाखरे के पान है। आप जैसे अंबाजी है वगैरह रेवदर जाओगे या फिर शुरू की तरफ जाओगे तो इसके पेड़ बहुत सारे मिलेंगे आपको, हाईवे के किनारे पे बहुत सारे मिलेंगे। और जो यहाँ का एड्रेस है वो है पालमपुर अंबाजी सर्कल, पुराना चेक पोस्ट, आबू रोड। अच्छा, आपका नंबर भी बोल दो। 7220-23450 ये मेरा नंबर है। 7220-23450 और आप शादी वगैरह का भी ऑर्डर लेते हो? हाँ, शादी का ऑर्डर लेते हैं। वो जैसे कि टाइमिंग के ऊपर होता है कि भाई कस्टमर का क्या टाइमिंग रहता है, क्या है उसके हिसाब से। इलेक्शन रिजल्ट डे है और ये रिजल्ट डे में हम राजस्थान पहुंच गए असेंबली और असेंबली इलेक्शन का माहौल है। बहुत लिया अपने बेटा, क्या क्या लिया? हाँ, मिर्ची बड़ा खा रही है, देखो अलग अलग चीज मिल रही है दोस्तों। मिर्ची बड़ा है, पालक कोड़ा, पालक पकोड़े और वो कढ़ी। आपको कढ़ी दिखाते हम कनु भाई। गर्मा गर्म कढ़ी है और बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनाते हैं ये, और बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ा तपेला और क्वांटिटी में बनाते हैं, आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम भर के खाली कर लिया और इसको अब इसको हमने दूसरी बार भी भरा और ये भी खाली हो गया। अब इसको हम भाभी तीसरी बार भरेंगे। हाय, माय नेम इज जया। जया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है भैया का, मतलब काफ़ी सपोर्टिव नेचर है, कोऑपरेटिव है और टेस्टी बहुत है यहाँ पे। आप कहाँ से आए हो? हम सिरोही से हैं लेकिन हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हाँ हाँ, आप कह सकते हैं ऐसा। तो हम लोग यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स हैं लेकिन यहाँ के अलावा हमारे बच्चों को कोई टेस्ट पसंद नहीं आता है। सही बात, बिल्कुल। तो ये बहुत यम्मी है और आप लोग को एक बार ट्राई करना चाहिए। ओके, थैंक यू। यहाँ पे लोग खा रहे दोस्तों, आप देख सकते हो इतना फ्रेश और गरम नाश्ता जब मिल रहा है। हम इनसे बात करेंगे, ये स्पेशल आए। कैसा लग रहा है आपको नाश्ता? अच्छा लग रहा है। हा? अच्छा है। आप कहाँ से आते हो? हम अच्छे रेवदर से। रेवदर? रेवदर रेवदर यहाँ से 40 40 किलोमीटर। हाँ, इधर मजदूर लेकर आए नाश्ता करने, इधर ही आते। अच्छा, ये नाश्ता पेट भी खराब नहीं करता? इसका नहीं, नहीं। रोज आते हो तो? हाँ, रोज आते, डेली आते। बहुत फ्रेश नाश्ता है, देखो वो इतने चाम से खा रहे हैं। और हमारे क्या है आपका नाम? नीलेश कुमार। नीलेश कुमार, आप इनके भाई हो? हाँ, मैं इनका छोटा भाई हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या हेल्प करते हो उनको? मैं माल भी बनाता हूँ, बेचता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं। अच्छा,
बहुत अच्छा हमको लगा यहाँ पे कि आपको कस्टमर को ढूंढना नहीं जाना पड़ता है, कस्टमर आपको ढूंढ के आते हैं। हाँ मैम, हम अहमदाबाद से स्पेशल आपके लिए आए। थैंक यू मैम, स्पेशल। थैंक यू, थैंक यू। और कुछ काम नहीं है, हमने सोचा कि आज पकोड़े वाले को पकड़ते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो ये अभी दोस्तों यहाँ पे ये समोसे है ना, ये समोसे कौन बना रहे? मामा। मामा का नाम क्या है? राजू। राजू भाई मामा, राजू मामा बना रहे समोसे बना रहे। और ये कचौड़ी, कचौड़ी अभी बन रही है। और पालक पकोड़े के बेसन कहाँ है वो? ये तल के तैयार रखा हुआ पकोड़े है। और राजू मामा से हम बात करेंगे दोस्तों। अनु भाई इधर आ जाओ। हाँ, तो अभी क्या है ये? पालक डाला, अच्छा ध्यान रखना। पालक डाला और नमक डाला। पालक, नमक और बेसन। अच्छा, बेसन को यहाँ पे भरपूर पड़ा है दोस्तों, देखो पूरा डिब्बा भर के रखते हैं ये लोग। तो इसका अंदाजा कैसे आता है कितना भरो बेसन लेना है? ऐसे ही होता है उनका, उनका रोज का एक्सपीरियंस है कि मैन परफेक्ट। तो अब आप बताओ कि फाइव स्टार होटल का नाश्ता करना है कि ये लाइव जो फ्रेश नाश्ता करना है दोस्तों? देखो अभी ये बेसन डाल रहे हैं पालक में और ये बन रहा है। और नमक डाला, और क्या डालोगे? बस हाँ, और उसका घोल बनाना है ना, घोल बनेगा दोस्तों। ये पालक के पकोड़े तैयार हो रहे हैं और वहाँ पे फ्राइंग पैन में कचौड़ी हो रही है और समोसे। तो हम स्पेशल आज हमने सोचा कि चलो भाई उनको आज पकड़ते हैं कैसे भी। सुबह में हम कहीं रुके भी नहीं और डायरेक्ट अहमदाबाद से आए हैं और ये बना रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई मसाला नहीं डालना है ना? कोई मसाला। हाँ, तो राजू मामा ये बना रहे। तो ये तीन लोग यहाँ पे एक काम में रुके हैं। और आप भाई ऐसे कैसे? क्या नाम है बेटा तेरा? चेतन। ओ चेतन, यहाँ पे हेल्पर है। हेल्पर है लेकिन इतना स्माइलिंग फेस है, मुझे लगता है कि चेतन को देखने के लिए लोग आ जाते होंगे, पकोड़े खा के चले जाते होंगे, है ना मामा? और मामा भी देखो हमारे आमिर खान से कम नहीं है, है? मामा भी इतने स्मार्ट है और यहाँ पे इतना मस्त नाश्ता करने हमको मौका मिला है। हम खाएंगे तो ज़रूर दोस्तों, लेकिन मैं और देखो आप सब कुछ स्वच्छता की साथ में यहाँ पर पालक को दो पानी से धोया जाता है और फिर ये घोल बन रहा है उसका। दोस्तों ये घोल बन रहा है पालक पकोड़े का और पालक पकोड़े में फिर कढ़ी आएगी। इतना स्वादिष्ट है, हमने एक बार खाया था एक साल पहले, तो हमने तभी तय कर लिया था कि हम उनका वीडियो बना के अपने व्यूअर्स के लिए रखेंगे। दोस्तों देखो ये घोल तैयार हो गया, इतना ही रखना है ना, पतला नहीं करना है। हाँ, तो अब पकोड़े बना रहे कि अभी? अभी नहीं। अच्छा, है ना, गुजरात के लोग आते हैं देखो दोस्तों, लोकल से कम गुजरात के। कैसे डालते हो उसको पूरा? हाँ, अंदर ये भैया ने कढ़ाई में पकोड़े सब उसको फ्राई करने के लिए डाले हुए, पूरा डाला था। हाँ, पूरा डाला है और बहुत ही उसको अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं हमारे राजू मामा, और उनका कार्य भी बहुत ही अच्छा है। देखिए ये रहे सब पकोड़े, पकोड़े तले जा रहे हैं, फिर यही तले हुए पकोड़े को कढ़ी और कांदा और मसाले के साथ ग्राहक को परोसे जाएंगे और बहुत ही बढ़िया बनाते हैं ये, लाइव बनाते हैं और बहुत ही फ्रेश, ताकि हर कोई कस्टमर को
उनके खाने पे खूब विश्वास रहता है। ये बहुत ही लाइव एंड फ्रेश बनाते हैं, तो इसीलिए दोस्तों आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिए और इनके लाइव पालक पकौड़े है, मिर्ची वड़ा है, वो आपको खाने चाहिए। तो इसके लिए आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा, बहुत ही फ्रेश मिलता है और बहुत ही अच्छा मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद। ये चार रास्ते पे कॉर्नर पे उनका दुकान है, प्रजापति नाश्ता सेंटर स्पेशल कढ़ी पकौड़ा की सबसे पुरानी दुकान। और इनकी दुकान पे हरदम कस्टमरों की इतनी भीड़ रहती है। और ये सुबह 6:30 से दोपहर 2 बजे तक ही इनका आउटलेट खुला रहता है। तो आपको रिक्वेस्ट है, जब कभी भी आओ तो आप इनके समय के मुताबिक आइएगा दोस्तों, नहीं तो शायद आपको कहीं धक्का ना खाना पड़े। इसके लिए आप इनके समय के मुताबिक आइएगा, सुबह 6:30 से दोपहर 2 बजे तक इनकी दुकान चालू रहती है। और इनके बाद इनका मटेरियल भी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये लोग इतना सारा काम करने के बाद उनको भी थकान रहती है, तो स्टाफ को आराम देने के लिए ये दोपहर 2 बजे के बाद अपनी दुकान बंद करके वो घर पे चले जाते हैं। इसके लिए दोस्तों आप जब कभी भी आए तो इनके समय के मुताबिक आइएगा। और ये इनका दुकान है जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, और हरदम इतनी भीड़ रहती है। हाँ, ये रहे मिर्ची वड़े, भैया पैक कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका पैक करने का तरीका है, देख लिए देखिए दोस्तों। ये शादी ब्याह वगैरह का भी ऑर्डर लेते हैं और उनका पैक करने का तरीका भी बिल्कुल अच्छा है। और ये बड़ा पतीला रखते हैं, उसमें कई सारी क्वांटिटी में कढ़ी गर्मा गर्म रखते हैं, तो हाँ कढ़ी नहीं मिलती। ये दिन में ऐसे 2-3 पतीले कढ़ी ख़त्म हो जाती है। हाँ यस, तो भैया पैक कर रहे हैं। ये चेतन है, ये इनका हेल्पर है और वो भी हाथ बटोरता है। ऐसे 2-3 कपेले कड़ी जाती है दोस्तों, और ये मिर्च वड़ा और पालक पकौड़े, अभी कचौरी बन रही है। पार्सल सेवा है ना? हाँ, ये पार्सल हो रहा है, ये भी हमारा परमानेंट कस्टमर है। अच्छा, आप बार बार आते हो यहाँ, कैसा लगा? अच्छा है, नाम से बिकता है। हाँ, हम एक दो बार उनको पकड़ने की कोशिश की, नहीं तो नहीं मिले। आज स्पेशल आए हम लोग यहाँ पे, इतने चाम से खाते हुए पूरे गाड़ियाँ रुकती है, क्योंकि ये आबू रोड का जो ब्रिज के नीचे है तो गाड़ियाँ रुकती है। चेक पोस्ट है ये एरिया, चेक पोस्ट एरिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ रुकी है। हम 5 ही मिनट अभी तो हुए खड़े हैं और इतनी सारे लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं दोस्तों। किसी का पार्सल है तो कोई खा रहा है, और सब बार बार आ रहे हैं, तो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अनिला शाह फ्रॉम अन्ना ग्लो किचन, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, ये आपका जो ठेला जहाँ लगता है, हाँ जी, वो एड्रेस नंबर हमारे को बताइए। ये मैम आबू रोड अंबाजी पारमपुर सर्कल, आबू रोड पुराना चेक पोस्ट, वही सर्कल पे ही है, कॉर्नर पे ही है। अंबाजी जैसे आप जाओगे ना, जैसे पालमपुर से आ रहे हो, अंबाजी जा रहे हो, तो वही कॉर्नर पे ही है, प्रजापति नाथा सेंटर। हाँ जी, 6 बजे से? हाँ, मॉर्निंग में 6 से दोपहर को 2 बजे तक। ओके, हाँ जी, हाँ जी मैम, थैंक यू।
यहाँ से 120 किलोमीटर पे ले जाते हैं। आपका नाम? रमेश कुमार। रमेश कुमार यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं? मैं तो 90 से आ रहा हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इसका। बहुत अच्छा। आपने क्या लिया? ये पकौड़े लिए। अच्छा, तो आप रोज खाते हो? रोज, आप जितनी बार आते हैं। पार्सल भी ले जाते? अभी 6 ने बुक करवाया। 6? अच्छा, सुबह में ये नाश्ता करते हैं? सुबह। आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। हम हर साल आते हैं यहाँ पे माउंट आबू, यहाँ पे खा के ही जाते हैं। कमलेश सोसावा। अच्छा, आप यहाँ के लोकल हो? नहीं नहीं, बड़ौदा से आए। बड़ौदा से स्पेशल आप यहाँ रुकते हो? हाँ, यहाँ पे माउंट आबू आते तो यहाँ पे ही खाते ही से आके हम सीधा यहीं पे रुकते हैं। यहीं पे रुकते, कोई जगह पे, कोई जगह पे ब्रेकफास्ट करते ही नहीं, इधर ही आते हैं खाने के लिए। मजा आता है खाने। 5 साल से हम यहीं पे रुकते हैं, आबू रोड पे। आपका नाम? मेरा नाम हितेश राणा है। हम बड़ौदा से हैं। हम आबू जाते हैं तो फिर रिटर्न में यहीं पे नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। बहुत ही बेस्ट है। और नई चीजें एवरी। आप अपने अहमदाबाद बड़ौदा वगैरह खाते हैं? हाँ, लेकिन ये जरा हटके वाला नाश्ता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया। टेस्ट भी बहुत बढ़िया है इनका। यस, इसमें कोई पुरानी चीज नहीं है। नहीं, सभी को आना चाहिए। बहुत बेस्ट बेस्ट। स्वच्छता को वो भी क्लीनली, हाँ, कस्टमर का हेल्प का ध्यान रखते हुए क्लीनलीनेस भी मेंटेन किया है उन्होंने। थैंक यू, थैंक यू राणा भाई। यस, तो आप देख रहे हो कितनी गाड़ियाँ जो आबू रोड जाती है वो सब यहाँ पे रुकते हैं। ये बहुत फेमस है। 2 बजे के बाद वो अपना बिजनेस करने को तैयार नहीं है। इतना अच्छा कमाई हो जाता है, तो एक बार ज़रूर आके यहाँ पे टेस्ट करिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। देखो यहाँ का माहौल, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ये पूरा खाने जितना हो जाता है हैवी। बहुत मज़ा आती है। प्रजापस्ती नाश्ता सही में यहाँ पे बहुत फेमस है। और मैं आपको बहुत अच्छी जगह लेके आई हूँ दोस्तों। तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो देखते हो लेकिन लाइक का बटन नहीं दबाते हो दोस्तों, मैं बहुत मायूस हो जाती हूँ। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मैं चाहती हूँ दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू। ये पकौड़े ट्राई हो रहे हैं दोस्तों, और ऐसे छोटे छोटे हो जाते हैं। पब्लिक तो है, अभी तो एक्चुअली ब्रेकफास्ट का टाइम भी चला गया है और लोग आ रहे हैं। ये बाइकर लोग हैं? ये बाइकर है। इसको दोस्तों पाँव के साथ खाते हैं। ये कितने का होता है डिश? ये हमारे रेगुलर कस्टमर है। तो ये कितने का है? 30 रुपये पेट भर के नाश्ता। आपका शुभ नाम? गोविंदा। गोविंदा आया भाई, गोविंदा आया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि स्टॉल कितना फेमस है ना। तो ये 30 रुपये में एक पाव और पालक पकोड़े कढ़ी के साथ। थैंक यू गोविंदा जी। आप क्या करते हो? ये क्या लेके यहाँ भी चलता है? ऑनलाइन शॉपिंग? शॉपिंग बहुत चलता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पूरा देखो, हाँ, और फिर उसको जो झारी है उससे छुटा कर दे। हाँ, देखो पूरा मिक्स में ही तल रहे हैं और फिर उसको ऐसे कूट के अलग कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बेसन ही है ना आटा? तो सिर्फ बेसन। जब पालक की सीजन नहीं होती है तब क्या करते हो? पालक आता है। कहाँ से लाते हो? मंडी से, आबू मंडी से। आबू रोड में? अच्छा, आबू रोड में मिलेगा लेकिन माउंट आबू नहीं मिलेगा? नहीं, ऊपर नहीं जाता होगा ये सब। तो माउंट आबू में भी एक ठेला बनाया जाए? नहीं मामा, माउंट आबू में भी बना लो एक ठेला। हाँ सही बात है। फ्रेश समोसा कचौड़ी और मिर्ची वड़ा।
रिक्को चौकी के सामने, रिक्को चौकी के सामने पालमपुर हाईवे। वो हमारे पिताजी चलाते हैं, जो पहले यहाँ पे रहते थे 3 साल पहले, अब वो वहाँ नई शॉप चलाते हैं। वो वहाँ पे भी वो 4 साल से वहीं पर है। यहाँ से मैं 1.5 किलोमीटर दूर है, वो 1.5 किलोमीटर दूर है, और वो भी 6 से 2 ही चलती है। 6 से 2 के बाद में वो भी क्लोज हो जाती है शॉप। 2 बजे जाके आराम। हाँ, 2 बजे के बाद आराम। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है इनका, भुजिएगा और अच्छा है। काफी साल से हम खा रहे हैं। एक ही टेस्ट मेंटेन होता है, एक ही टेस्ट मेंटेन होता है। की टेस्ट मेंटेन होता है दोस्तों, लोग इतने प्यार से चाम से खा रहे। एक पाव और पकोड़े के साथ कढ़ी 30 रुपये में यहाँ पे, मुझे तो लगता है ये एक सदाव्रत जैसा है। लोगों को आप खाना खिला के पुण्य का काम कर रहे हो। देखो आप, पब्लिक यहाँ पे आती ही रहती है, ये सिलसिला 2 बजे तक जारी रहेगा। कैसा है? बहुत बढ़िया, टेस्टी है। पालक पकोड़े विद कढ़ी और पाव हम खा रहे हैं दोस्तों, आप भी आ जाइए हमारे साथ, ये नया टेस्ट का आस्वाद करिए। ये प्रजापति नाश्ता घर आबू रोड। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लोगों में खुशी क्योंकि बीजेपी की जीत का माहौल चल रहा है, और मॉर्निंग नाश्ता और खुशी की लहर। आबू रोड से अनिला शाह, अन्ना ग्लो किचन एंड एक्सप्लोर विद अनिला शाह। साल से आप लोग यहाँ पे बिजनेस कर? ये मैम मेरा जन्म 98 का है, उससे 10 साल पहले। हाँ। मतलब पापा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे फादर। और अभी पापा अभी एक और? हाँ जी, हाँ जी, शॉप खोली है, एक और शॉप है। ये आप जैसे कि आबू रोड से पालमपुर जा रहे हो, तो मेरी जो शॉप है यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे रिको पुलिस चौकी है, आबू रोड रिको पुलिस चौकी, उसके सामने ही है। अच्छा। उसका भी नाम यही है, प्रजापति नाश्ता सेंटर। प्रजापति जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 30 रुपये में इतना एक प्लेट भर के बड़ी भाजी खाना, बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। देखो लोगों का रिव्यू देखो दोस्तों, सही में। और ये जो है ना, वो देसी इलाज है, देसी घाघरे का पत्ता है, घाघरे का, उसके अंदर जो मज़ा आ रहा है, घाघरे के पत्ते हैं। हाँ। इसमें जो मजा आती है ना, वो किसी के अंदर नहीं आती है। सही बात है, जो तो बना के रहते हैं ना, उसमें नहीं मजा आती है। आपका सुनना? मेरा नाम राजेंद्र सिंह जाड़ा, अहमदाबाद गुजरात से हूँ, साबरमती कोटेश्वर। अरे वाह, हम भी अहमदाबाद से स्पेशल यहाँ आए। मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ तो मैं यहाँ से खा के जाता हूँ। ये बच्चा पहचानता नहीं है, इसके पापा मेरे को पहचानते हैं। मैं ड्राइविंग करता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, 4-5 दिन भी मेरे को यहाँ से। और ये आपका दोपहर तक का नाश्ता हो गया? मैं होता हूँ, मैं खाता हूँ, में जो होते हैं उनको सबको बोलता हूँ, यहाँ का एक बार आप भजिया खा के जाओ, आपको मजा आएगी। सही बात है, ऐसा मैं बोलता हूँ। ये इसके पापा पहचानता है, ये मेरे को नहीं पहचानता। हाँ, क्योंकि अभी ये 98 के बॉर्न है, और तो भी इतने सालों से, उनको भी आज 25 साल हो गए ना, तो उनको ये बहुत पुराना है दोस्तों। और लोग इतना खुश होते हैं यहाँ नाश्ता। ये भी भैया यहाँ से मतलब पालमपुर से आते हैं खाने के लिए, ऐसा हो जाता है। क्या ये भैया डेढ़ पालमपुर से आते हैं, इनके भी खमण का काम काज है। अच्छा, मैं रेगुलर आता हूँ, मेरा खमण का काम है। अच्छा, खमण कौन सा खमण है आपका? मेरा नायलॉन खमण है, और पालनपुर से सप्लाई है मेरी इधर। अच्छा। हाँ, तो मैं जब भी, मेरा योगेश नाम है। योगेश नाम से जो खमण फेमस है वो? नहीं नहीं, हमारा दूसरा है। जी जी, अहमदाबाद में योगेश करके है। हाँ। हमारा अलग से। अच्छा। ठीक है, तो हमारा, हाँ, कहाँ पे हो? पालनपुर में। पालनपुर में मैं ढूंढियाबड़ी से हूँ। हाँ। आपका नंबर दीजिएगा, हम कभी आएंगे। जी जी जी, 8849593719। थैंक यू। तो जब भी मैं इधर से निकलता हूँ, तो पहले इनका नाश्ता करके ही निकलता हूँ। अच्छा। और भैया का नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत हंसमुख है। जी जी, और सबको, कस्टमर को इतनी अच्छी तरह से डील करते हैं,
देखो उनको इतना कारोबार है लेकिन उनको बिल्कुल कोई प्राउड नहीं है और लोगों के साथ हंसते मजाक करते हुए और सबको सब चीज प्रेम से परोसते हैं दोस्तों, तो इसलिए लोग उनके पास पीछे चले आते हैं। तो वो गाना है वो मुझे याद आ गया, तेरे चेहरे पे वो जादू है तेरी ओर चला आता हूँ, जाना होता है कहीं और मगर प्रजापति नाश्ता सेंटर की ओर चला आता हूँ दोस्तों। थैंक यू थैंक यू दोस्तों। प्रजापति पालक भजिया के सेंटर पर आने के लिए आपको थोड़ा बहुत रास्ते के लिए गाइड कर देते हैं। सामने जो ओवरब्रिज वाला हाईवे आप देख रहे हो जहाँ से बाइक जा रही है, ये जो ओवरब्रिज वाला हाईवे है वो सीधा अहमदाबाद से आता है बराबर, और वही ब्रिज के नीचे ऐसा चार रास्ता पड़ता है। चार रास्ता के सामने ही एग्जिट जो सिटी में रास्ता जाता है और ये दूसरा जो रास्ता है अहमदाबाद से आने पर आपको ब्रिज के दाहिनी ओर नीचे उतर के यू टर्न लेके ब्रिज के नीचे आना पड़ेगा, और यहाँ से जो एक रास्ता है जो ये अंबाजी मंदिर की तरफ जाता है, और ये ही चार रास्ते पे यहाँ पे कॉर्नर पे प्रजापति नाश्ता सेंटर है। तो आप ये देख लीजिए ताकि आपको आने पर इनकी दुकान ढूंढनी ना पड़े और आसानी रहे। यहाँ जस्ट चार रास्ता के बगल में कॉर्नर पर ही है। अर्बुदाचल जो आबू का पर्वत है उस अर्बुदाचल है और उसकी पावन धरा पे आबू रोड नगर में नगर पालिका हमारा हार्दिक स्वागत कर रही है। आप भी बने रहिए दोस्तों, हम आपको आगे और ले चलते हैं।